नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना लाइट। आज है 22 अगस्त और रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट्स बाहर आने शुरू हो गए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते कि आज के एग्ज़ाम में, आज के पेपर में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से किस तरीके का सवाल है। चलिए सीधे कैंडिडेट से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। कितना बना है? हम 89 बनाया सर, 89 बनाया। मैथ में वही लगभग 19 या 20 के लगभग में। हाँ, बायोलॉजी से सवाल आया था। हाँ, बायोलॉजी से भी है, फिर जनरल भी है, जनरल जीके जो हुआ, फिर सोशल साइंस में भी है, आपको मैथ से है क्वेश्चन, फिर अपडेट में जीके में 2022 का कुछ अपडेट्स का आया है क्वेश्चन। क्या है करंट अफेयर से? क्या सवाल? करंट अफेयर से बस राष्ट्रमंडल खेल का एक क्वेश्चन आया है, बस राष्ट्रमंडल खेल का बस क्वेश्चन, और कुछ नहीं। और मैथ में सवाल? मैथ में वही है, आपको क्या बोलते हैं उसको, क्या परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज है, प्लस में आपको ये और उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रा है, उसके बाद आपको ट्रिकोनमेट्री है, ये तीन चार तरह का क्वेश्चन आ रहा है जी। और रीजनिंग में सवाल कैसा है? रीजनिंग में भी ठीक है, रीजनिंग में एक ही पर पैटर्न पे सारा है, एक ही पैटर्न पे है। कोडिंग डिकोडिंग कितना था? कोडिंग डिकोडिंग दो था मात्र, दो था। और सीटिंग अरेंजमेंट जी? सीटिंग अरेंजमेंट में चार या पांच था क्वेश्चन। अल्फाबेट से था? अल्फाबेट से नहीं था क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था क्वेश्चन। और कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा गया। कितना होप है जी? होप कितना है आने का? अब देखिए वो तो है वैसे 70 के लगभग में, 89 मैंने किया है। कैसा हुआ आपका पेपर? अच्छा हुआ। कितना बना है? वही लगभग 100 क्वेश्चन था, जिसमें 90-95 लिखे बना है। मैथ में कितना बना है? अब काउंट तो नहीं किए, फिर भी कितना? फिर भी 10-15 से ऊपर ही। कहाँ कहाँ से सवाल था जीके में? जीके में अभी करेंट जो ये क्या कहते हैं उसको, जो वर्ल्ड कप वगैरह हुआ उसके बारे में भी ये क्वेश्चन था। हिस्ट्री से कितना सवाल था? अब काउंट नहीं किए, लेकिन फिर भी कितना अंदाजा? 4-5-6? नहीं, 10-15 होगा। 10-15 सवाल कुछ याद है? सवाल वर्ल्ड कप के बारे में था, कुछ था, उतना हमको याद नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन था तो उतना याद नहीं है। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग का सवाल कुछ याद है? रीजनिंग का सवाल था कि कितना समय में कितना जो होता है, वो सवाल था रीजनिंग में। पेपर का लेवल कैसा लगा? पेपर ठीक ठाक था, कुछ कुछ ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन भी था जो अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो उसको आप आराम से लिख सकते हैं, मतलब कुछ कुछ नॉर्मल था और कुछ कुछ टफ भी था। कितना नॉर्मल क्वेश्चन? नॉर्मल मतलब मेरे ख्याल से 8-10 क्वेश्चन ऐसा था जो अगर बिना पढ़े लिखे भी उसको आराम से सॉल्व किया जा सकता था। और मैथ में सवाल कहाँ से था? मैथ में जैसे कि कुछ अलजेब्रा जैसा कुछ था, वो ऐसा था, वो सब था। थैंक यू। मैम पेपर कितना अटेम्प्ट किए? 69। मैथ क्वेश्चन था, सब इजी क्वेश्चन था। हाँ, मैथ में कितना बनाया? मैथ में याद नहीं है बट बनाए हैं। यार बहुत बढ़िया रहा। क्या अटेम्प्ट है आपका? 75 है। 75 मैथ में कितना? मैथ लगभग तो काउंट नहीं किए क्योंकि अलग अलग टाइप से, मतलब था, कभी रीजनिंग था, कभी मैथ था इस टाइप का, कभी जीके था इस टाइप से था। हिस्ट्री से सवाल आया था क्या? हिस्ट्री से सवाल था? हाँ था, दो चार पीस था। हाँ, बाकी साइंस से भरा हुआ था और मैथ था, रीजनिंग था। कैसा गया भैया आपका? ठीक है। कितना बनाया? 65 हुआ। मैथ में कितना बनाया? मैथ में लगभग 19-20 को के आसपास। लेवल कैसा है? लेवल तो ठीक है सर, थोड़ा क्वेश्चन है ना जो पूछने का तरीका थोड़ा, मतलब लैंग्वेज ज़्यादा कर दिया है, लैंग्वेज का लैंग्वेज बढ़ा, लैंग्वेज बढ़ा देने से पढ़ने ही में टाइम थोड़ा बीत जाए, ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। रीजनिंग का बनाए कितना? रीजनिंग में तो लगभग 17 या 18 को लगभग। बनने लायक है कि नहीं? लायक है, बस सर तो बोले ना ऐसा लैंग्वेज मैथों में है ना, घुमा घुमाने वाले घुमा दे रहा है खाली, क्वेश्चन कर बनने वाला है फिर भी, लेकिन मतलब घुमाने से पकड़ में देरी से आ रहा है, वही बनने में टाइम लग जा रहा है। जीके का सवाल कैसा है? हाँ, जीके का सवाल ठीक है, आसान आसान। हाँ, से सवाल आया था? अब तो नहीं याद नहीं। ज्योग्राफी से? याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है। अच्छा, साइंस वाइंस से भी तो होगा? हाँ, साइंस से है। कितना सवाल साइंस से? साइंस से हम सब अभी तक पूरा टच नहीं किए थे, जितना टच किए थे उतना में लगभग 5-6 को कुछ। हाँ हाँ। आपका कैसा गया? हम पढ़ गया आपका ठीक गया। कितना आप बनाए? 77 नंबर। साइंस का सवाल कोई याद है? साइंस का सवाल देखिए कथन कारण में करके आ रहा है। कथन करके है? कथन कारण में पूरा स्टेटमेंट पढ़िएगा तब, उतना याद नहीं है। लेंदी बना दिया है जीके? हाँ, लेंदी। क्वेश्चन इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है, कैलकुलेशन बहुत है। मैथ में कैलकुलेशन बहुत है? हाँ, रीजनिंग में खास करके जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें ज़्यादा है।
आप कितना बनाए मैथ? मैथ में ऐसे थोड़ी ना पता चलता पूरा ना, फिर भी लगभग मैथ 7-8 क्वेश्चन छोड़े होंगे। 7-8 छोड़ दिए? मैथ क्वेश्चन ठीक है, मैथ क्वेश्चन ठीक है। कहाँ कहाँ से था मैथ का क्वेश्चन? क्या चीज कहाँ कहाँ से पूछा गया था मैथ का क्वेश्चन? परसेंटेज से था, बोर्ड मास से था, फिर टाइम एंड डिस्टेंस से था, वर्क से था। और रीजनिंग में कहाँ कहाँ से था? रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन ज़्यादा था, कम से कम 5-6 क्वेश्चन। फिर प्लस में इधर से सीरीज से क्वेश्चन था, कैलेंडर से नहीं था, नॉन वर्बल से एक क्वेश्चन नहीं था, फिर कैलेंडर से नहीं था, और याद नहीं है पूरा। लेवल कैसा है आपके अनुसार पेपर का? लेवल मॉडरेट, मॉडरेट से ऊपर, थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा ऊपर, मतलब टफ है इस बार सवाल? हाँ थोड़ा सा टफ है। चलिए ऑल द बेस्ट। कैसा गया? ठीक है गया है। क्वेश्चन कितना बना है? 70% बना है। 70% 70 को बना है जी। साइंस का सवाल याद है? नहीं अभी इतना थोड़ा ही याद है। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग ठीक है था, कोई ज़्यादा टॉप नहीं था। पेपर का लेवल? पेपर का लेवल तो मिला जुला के सही गया है। घुमा घुमा के सवाल पूछा जा रहा है? ज़्यादा घुमा के था, बहुत हटता ही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मैथ कैसा है, कैलकुलेटिव या इजी? कैलकुलेटिव करने पड़ता था इजी के लिए। ज़्यादा कैलकुलेशन था। रीजनिंग में? रीजनिंग को ज़्यादा कैलकुलेशन करने के लिए थी। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से था? कोडिंग डिकोडिंग से था? अब उतना याद। और इस तरीके का रेलवे ग्रुप डी का जो 22 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम रहा था उसका अपडेट रहा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।